我什么你青龙？नागमणि, हमारी रक्षा करो नागमणि। तांत्रिक किस काले जाओ, वो खत्म। मालिक दिखाते झलक, ये जमी हो या हो फलक। प्रणाम बाबा। हक मालिक, प्रणाम। वही सबका पालने वाला, वही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, वही इसका वाली। हक मालिक। जिसने गम दिए हैं वही खुशियां भी देगा। अमृता बेटा आइए, बेटा आशीर्वाद लीजिए। बाबा ये हमारे जानते हैं ये कौन है। अंधेरे और उजाले के बीच में फंसी हुई जिंदगी, सब चुप है। मौन है। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? सच जो सच नहीं है। आधा सच जो आधा है। सच नहीं। जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं। और जिसके साथ रिश्ता है, कोई और है, उस मालिक की है काया। कहीं धूप कहीं छाया, ये सब उस ऊपर बैठे मालिक का कर्तव्य है। बाजीगर का बांदरा कसमन जी के साथ और नाना हाथ रचाए के रखे अपने साथ। थक मालिक, थक। अमृता बेटा ये कोई मनमौजी बाबा थे, इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या हुआ? हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है बेटा। कोई समझ नहीं पाया, पर वो बाबा अमृता के बारे में कुछ बताना चाहते थे। पर क्या हम एक दिन सब पता कर लेंगे, सत्य भी और अर्थ सत्य भी। एक बार हम अमर गुफा में चले जाएं, उसके बाद ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
अगर अमृता अमर गुफा में चली गई, अमर गुफा में चली गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो उसे, देखो उसे। रुक जाओ अमृता, तुम इस रूप में एक विवाहिता, इसलिए अमर गुफा में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। तुम्हें अपना रूप बदलना होगा और वो रूप एक अविवाहित रूप होगा। जल्दी भी क्या है अमृता, पहले हमसे तो मिलकर जाओ। और तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से हम सबको हरा पाओगी तुम? मणि हमको दे दो अमृता, अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने जो ताम्रपत्र दिए थे उसकी मदद से हम अमर हो गए हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप ठीक कह रहे हैं, ना हम आपको मार सकते हैं ना हरा सकते हैं, मणि तो हमें आपको देनी ही होगी। इतने बरसों से हमने इस मणि को पाने के लिए इतनी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आपको भी कर लेनी चाहिए। ये छलावा है, ये छलावा, ये असली मणि नहीं है अमृता, असली मणि नहीं है अमृता। हम जानते हैं कि मणि तुम्हारे पास में है अमृता, लाओ मणि हमें दे दो, लाओ। हारने का दुख बहुत होता है, हारने का दुख बहुत होता है ना? इसे छोड़ना मत बेटा, छोड़ना मत बेटा, भाग जाओ उससे, भाग जाओ उससे। अकनेश, अकनेश, मार डालो उसे, मार डालो उसे। अमृता। एक बात बताइए, एक बात, आप हमेशा बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? हम घर में बैठे बैठे थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, सोचा कि कोई नौकरी कर लेते। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे पागल इंसान को कोई नौकरी देता है? कोई नौकरी देता है? एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे दोस्त आपने हमेशा हमारा साथ, हमेशा हमारा दोस्त मानती हो, दोस्त मानती हो तो ये तो जानती होगी, तो ये तो जानती हो कि हमने जो भी किया, हमने जो भी किया दोस्ती के नाते ही किया, दोस्ती के नाते ही किया। क्या सोच रहे हो गणेश, क्या सोच रहे हो गणेश? घर से अलग कर दो इस नागिन का सिर, मार डालो गणेश, गणेश मार उसे, मार उसे। हाँ गणेश, मार डालो इसे, मार डालो इसे। हुआ कैसा गणेश, कहाँ हो?
इस मणि के असली हकदार तुम ही हो अमृता। कुछ सवाल मत करो, ये लो। जाओ अमृता, भाग जाओ इससे पहले कि मैं कुछ ना कर पाऊं। मारो उसे। अमृता वक्त नहीं है, जाओ यहां से। कहां गई वो अमृता? कहां गई अमृता? पता नहीं कहां चली गई। यही तो थी। अमृता। अमृता पता नहीं राहुल को क्या हो गया है, दिन भर खेलते रहते, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अमृता अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? कुछ तो गड़बड़ है, एक पल में कोई कैसे गायब हो सकता है? अंधेरे उजाले के जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं, कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तो क्या अमृता? अमृता, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम कि हम कहां गायब हो गए थे? आप यहाँ? आप तो हमारे साथ छत पे थी ना भाभी साहब, वो बारिश आ गई थी ना, इसीलिए हम यहाँ आ गए। कुछ तो गड़बड़ है, इसकी हरकतें साधारण इंसानों वाली नहीं है। डरने से काम नहीं चलेगा, अमृता के बारे में पता लगाना ही होगा। बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम माँ को जीवित करने के लिए महामृत्युंजय की पूजा पूरी श्रद्धा और मन से कर पाए। वर्षों के बाद ही दिन आया है, इसमें कोई विघ्न ना पड़े। अरे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज, केवल एक अवसर ही तो खोया है। मणि प्राप्त करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तुम बताओगे हमें तरीका? हाँ,
तो केबाज हमसे गद्दारी करके तुम अकेले मणि हासिल करना चाहते थे। अरे नहीं नहीं महाराज, हम तुम्हें पहचान चुके हैं। ओ महाराज, ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही तो हमें वहां विपदा में छोड़कर आ गए थे। मणि के लिए इतना लालच भी ठीक नहीं है। खामोश खामोश, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। आज के बाद नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे आपके त्रिनाल लोग, जा रहे हैं हम। जय महाकाल। और तुमने अमृता को क्यों नहीं मारा, ये जानते हुए भी कि उसकी मौत हमें मणि दिलवा सकती थी, जिसे पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसे मारना आसान नहीं है पिताजी, मणि के कारण उसकी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। तो रास्ता ढूंढो, किसी भी तरीके से मणि हासिल करो। अगर उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं तो उसका तोड़ ढूंढो। अगर वो शक्तिशाली हो गई है तो क्या मणि का ख्याल अपने दिल से निकाल दे? मोहिनी इधर आओ। आप फिक्र ना करें महाराज, उससे मणि हम हासिल करेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक जरूरी काम करना है। कैसा काम? आवश्यकता से ज्यादा जी लिया है तांत्रिक, जाओ उसे खत्म कर दो। पर क्यों? क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है और हमारे सारे राज जानता है। और एक शातिर इंसान है वो तांत्रिक। इसके पहले कि हमारे राज किसी को बताए, खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो उसे। Come on.